अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ 5x² प्लस 3x माइनस के इज डिफर बाय 7। तो गिवन इक्वेशन है 5x² प्लस 3x माइनस के। हेयर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3 एंड C is equal to minus K। तो सबसे पहले हमने sum of roots और product of roots find करने हैं। sum of roots is equal to alpha plus beta और इसका formula है minus B over A, minus B की value है 3 और A की value 5 है, तो minus 3 over 5, यानी sum of roots S is equal to alpha plus beta is equal to minus 3 over 5। तो ये है sum of roots की वैल्यू, ये हम आगे यूज करेंगे। अब product of roots alpha into beta is equal to c over a formula है, तो c की वैल्यू है minus k और a की वैल्यू है 5। तो this implies that p is equal to alpha into beta is equal to minus k over 5। तो अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी हमारे पास है। अब गिवन कंडीशन क्या है, ऊपर कंडीशन जरा देखें। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन डिफर बाय 7, यानी दोनों रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, 7 का है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के इनके रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, 7 है। ये गिवन कंडीशन है। आगे हम अपनी सेटिंग करते हैं कि जो अननोन है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। होल स्क्वायर लेने के बाद ये बाय फार्मूला यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले कहते हैं तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 49। मजीद आसान कर देते हैं। तो अब हमने, क्योंकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं थी, तो अब हमने इसको एक्सपेंड किया, तो अब हम दोबारा इसके लिए सेटिंग करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से लिखा, माइनस 2 अल्फा बीटा भी अपनी तरफ से लिखा, और एक अल्फा बीटा जो कि पहले से मौजूद है वो ये वाला लिखा, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 49। दोबारा इसको देखें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी, माइनस 2 अल्फा बीटा ये वैल्यू भी आखिर में मैंने लिख दी। यहां पर जो एक्स्ट्रा चीज मैंने लिख दी है वो क्या है कि इन दोनों को मैंने प्लस भी किया और माइनस भी किया, यानी प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसका फायदा क्या होगा कि ये जो तीन टर्म्स है, ये पहले तीन टर्म्स, इन तीनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। वो फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ये बन जाएगा, और फिर इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 49। अब वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा देखें ऊपर क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 3 ओवर 5, और अल्फा इनटू बीटा की क्या वैल्यू है, माइनस के ओवर 5। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये वैल्यू यहां पर डालते हैं, माइनस 3 ओवर 5 होल स्क्वायर माइनस 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के ओवर 5 इज इक्वल टू 49। नाउ माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो ये प्लस 9 बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा तो 25 बन जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस 4 के ओवर 5 इज इक्वल टू 49।
अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 9 प्लस हम इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई होगा तो 20 के बन जाएगा और नीचे 25 इज इक्वल टू 49। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 20 के इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 49। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 20 के इज इक्वल टू 1225। तो ये आ जाएगा 20K इज इक्वल टू 1225 माइनस 9, तो ये बन जाएगा 1216 और यहाँ पर 20K, तो K इज इक्वल टू 1216 डिवाइडेड बाय 20। तो अब इनके हम कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें 4 से कटिंग करते हैं, 4 फाइव ज़र 20 और यहाँ पर आ जाएगा 4 थ्री ज़र 12, 0 आएगा और 4 फोर ज़र 16। तो आई थिंक यही इसकी कटिंग हो सकती है, मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। तो के इज़ इक्वल टू 304/5, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।